आईईटी एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है रेडियो बाल पत्रिका रंगोली। रंगोली में आज सुनते हैं कार्यक्रम गुलाब जैसे बनो। बच्चों, एक था सीधा साधा आदमी जो बच्चों जैसे मन वाला था और एक साधारण से तन वाला था। इस देश के लाखों लोगों की तरह जिसके पास न धन था न साधन, फिर भी वो इस देश का रखवाला बना। उसके छोटे से तन में एक विशाल मन था जो संत नहीं था पर संतों से किसी तरह कम न था, जो व्यवहार में तो विनम्र था पर था दृढ़ निश्चय वाला। अपनी मां का बहादुर लाल था वो, और नाम था उसका लाल बहादुर। वही लाल बहादुर जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश की बागडोर संभाली। लाल बहादुर बचपन से ही सरल और निर्भीक थे। विपत्तियों में भी वो साहस नहीं खोते थे। अपनी गलतियों से वो सीख लेते थे और गलती को फिर कभी नहीं दोहराते थे। जैसे उनके बचपन की एक घटना है। एक बार वो अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। मोहन, हरी, तुम दोनों छुप गए हो ना? अब मैं गिनते गिनना शुरू कर रहा हूँ। एक। अच्छा, तू यहाँ छिपा है हरी? मैं भी यही छिपूंगा। अरे नहीं नहीं, तू सामने वाली झाड़ी में छिप जा। नहीं नहीं, लेकिन क्यों क्यों? अरे अरे, जल्दी जाना, लाल बहादुर इधर ही आ रहा है। अरे धक्का क्यों देता है, जाता हूँ ना। पकड़ लिया। अरे अरे, मैं तो भी ठीक से छिपा भी नहीं था। हाँ हाँ, तुम अब फिर से आना। जाओ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। नहीं नहीं, अब मैं नहीं खेलता, मुझे घर जाना है। अरे अभी से घर जाकर क्या करोगे? अरे स्कूल का काम भी तो करना है। अभी से स्कूल का काम? अच्छा लाल बहादुर, तुम कभी उस सामने वाले बाग में गए हो? सामने वाले बाग? अरे हाँ, उसमें तो कितने फल लगे हैं। हाँ, मीठे मीठे आम, चलो तोड़कर खाएंगे। हाँ हाँ, चलो ना। हाँ, चलो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ, चोरी करना पाप है। अरे फल तोड़ना भी कोई चोरी है? नहीं, मैं चुराकर फल नहीं खाऊंगा। अरे अच्छा, तो तुम मत खाना, तुम तो बस वहाँ खड़े रहना। हाँ, इससे क्या होगा? अरे भाई, जल्दी से हम कुछ फल तोड़कर तुम्हारे साथ घर चलेंगे। चलो ना लाल बहादुर। हाँ हाँ, चलो। वो अच्छा, चलता हूँ, लेकिन। अरे डरते हो क्या, हम है ना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ, अच्छा, चलो ना। हाँ, चलो लाल बहादुर, चलो चलो चलो। अच्छा, चलो। अच्छा हरे, हाँ जल्दी चलो उस डाल पर। हाँ, हाँ, आ, वो वाला। हाँ, वो वाला। हाँ हाँ, वो आ, वो आ, ये लो। हाँ, अरे वाह। अच्छा अच्छा, वो बड़ा वाला आम तोड़ना। वो वाला। अरे रे, उस डाली पर। इस पे। हाँ हाँ, ये वाला। हाँ, तो फेंको। ये लो। हाँ, अरे अरे हरे, इतनी पतली डाल पर मत चढ़ो। अरे अरे, ओहो, अभी गिर जाते तो। अरे जब एक डाल टूटती है तो मैं उछल कर दूसरी डाल पकड़ लेता हूँ। अच्छा, इसका मतलब तुम बंदर हो। कैसी खुशबू आ रही है, चलकर देखता हूँ। अरे अरे देखो, अरे वो लाल बहादुर कहाँ जा रहा है? अरे जाने दो भाई। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, वो अलार्म तोड़ना। पता नहीं, अरे राम, पता नहीं कहाँ से आ रही है सुगंध। थोड़ा और आगे चलकर देखता हूँ। अरे वाह, इतने सारे रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल। कितने खुश हैं ये सब, ऐसा लगता है जैसे अपनी माँ की गोद में नाच रहे हो।
और ये तितलियां, इतनी सारी तितलियां, अरे एक एक तितली में इतने सारे रंग। समझा, फूलों की संगति का असर है। मन करता है मैं भी इन फूलों के साथ ही रहूं। अरे वाह, इतना बड़ा गुलाब का फूल, कितना सुंदर है। पास जाकर देखता हूं। अरे ये तो मेरा है, मेरा मन पसंद फूल, प्यारा गुलाब। क्या करूं, क्या करूं, तोड़ लूं इसे? लेकिन, अरे लेकिन क्या, तोड़ ही लेता हूं। इसे अपने घर ले जाऊंगा और पुस्तक पर रखूंगा। हाँ, अच्छा दूसरी डाल पर आ जाओ। हाँ ये वाला। अच्छा अच्छा वो वाला। अरे 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 हरी, जल्दी भाग, माली आ गया है। अरे माली, लेकिन लाल बहादुर कहाँ है? अरे छोड़ लाल बहादुर को, उसको देखेंगे तो पकड़े जाएंगे। हाँ अरे हाँ, अच्छा सारे यहाँ फेंक दें, यहाँ पर चल भागते हैं। चोर, सारा बाग उजाड़ के रख देते हैं। क्यों रे, ये फूल तोड़कर भाग रहा है? नहीं नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ काका, मैं तो उस फूल को सूंघ रहा हूँ। सूंघ रहा है के बच्चे? हाँ। आप ही खबर लेता हूँ तेरे। नहीं 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 बाली काका, नहीं मुझे मत मारो, मुझे मत मारो बाली काका, मुझे मत मारो। मेरे तो पिताजी भी नहीं है। हाँ? हाँ? लगते तो तुम भले घर के हो, फिर भी बाग में चोरी कर रहे थे। नहीं नहीं काका, मैं चोर नहीं हूँ। मैं तो अपने मित्रों के साथ आज पहली बार यहाँ आया हूँ काका, पहली मित्र। लेकिन तुम्हारे मित्र तो तुम्हें छोड़कर भाग गए। जी काका। जरा सोचो बेटा, जो तुम्हें यहाँ मुसीबत में छोड़कर चले गए, वो तुम्हारे कैसे मित्र हैं? आप ठीक कहते हैं काका। इसीलिए बेटे, मित्र उसी को समझो जो मुसीबत में भी साथ निभाए। जी काका। और देखो बेटा, ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी दूसरे को हानि हो या दुख हो और तुम्हें अपमान सहना पड़े। हैं? समझ गया, मुझे माफ कर दीजिए काका। अब कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे पछताना पड़े। ये लीजिए अपना गुलाब। अरे बेटा, जब तोड़ ही लिया है तो तुम इसे ले जाओ। लेकिन याद रखना, आज के बाद तुम्हारा व्यवहार सबसे अच्छा और सबको खुश रखने वाला होना चाहिए। जी बेटे, इस गुलाब की तरह। हाँ, इस गुलाब की तरह। माली काका, आप सचमुच बहुत अच्छे हैं। काका, मैं आपकी बातें जीवन में कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं, कभी नहीं। बालक लाल बहादुर पर माली काका की बातों का गहरा असर हुआ। उस दिन तो उन्होंने सिर झुकाकर उनकी बातों को सुना, लेकिन कभी दोबारा उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उनका सिर झुकता, बल्कि उनके कारण सारे देश के लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हुआ। देश की बगिया के वो ऐसे रखवाले बने कि उस पर उन्होंने आंच भी नहीं आने दी। गुलाब की तरह वो खिले और महके। आज उनके न रहने पर भी उनकी यादों की सुगंध सबके मन में रची बसी हुई है। गुलाब जैसे बनो। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम। कार्यक्रम संचालन एवं निर्माण परामर्श प्रभुदयाल खट्टर, आलेख सत्येश पाठक, कलाकार वीणा होरा, जेमिनी कुमार, प्रवीण शर्मा,
यमन कौशिक और अनन्या, ध्वनियांकन बटिलेंग लिंगडो, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना आरिमर्दन।